नमस्कार, सत्यकाल। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और आज आए हैं हम दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट लग चुकी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा, क्या एक्सप्लोर किया और क्या क्या लिया। तो आज आए हम सदर बाज़ार दिवाली का एक्सप्लोर करने और मार्केट देखने की क्या क्या लगा है, क्या नई नई आइटम्स आई हैं गिफ्ट के पर्पज़ के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि मार्केट में क्या क्या है और आप लोगों को लेके चलते हैं। तो मेरे को एक बहुत ज़बरदस्त आइटम दिखे यहाँ पे। बेस का रेट क्या ये वाली का? ये 120 रुपये का। 120। और ये वाली? ये 60 का। अच्छा, 120। ये गणेश जी वाला 60 का? अच्छा, ये छोटा? ये छोटे ही 2 पीस, और ये 2 पीस बड़े हैं, ये 120 का। ये बड़ा वाला 120 का। ये बहुत सी आइटम लग रही है यार मेरे को, मतलब घर पे डेकोरेट करने के लिए। ये अभी हमारे साथ सुल्तान जी हैं, तो भैया थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या आइटम्स हैं हमारे पास, क्या प्राइसिंग है? हमारे पास जी कैंडल्स के आइटम हैं सारे, शुभ दीपावली के। शुभ दीपावली के कैंडल्स हैं, कैंडल्स हैं, डेकोरेशन सब मिल जाएगा। अच्छा, और ये क्या आइटम है यार, इसका थोड़ा बताओगे? ये सर एलईडी है। अच्छा, एलईडी लाइट। अच्छा, जलाने के, शुभ दीपावली में लोग रखते हैं ना इसको जलाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो क्या प्राइस वगैरह क्या इसका? ये 84 रुपये का पैकेट है 12 पीस का। अच्छा, होलसेल प्राइस बता रहे हैं आप। और रिटेल में कितने तक का है ये? रिटेल में 120-90। अच्छा अच्छा, ऐसे निकल जाता है। ओके, और ये बड़ी सही लग रही है यार, ये एक बार शुभ लाभ दिखाएंगे। क्या इसका क्या प्राइस है? ये 360 रुपये दर्जन, 30 रुपये। 360 रुपये का दर्जन? दर्जन 30 रुपये। अच्छा, सिंगल पीस 30 रुपये का। ओके ओके, ये आइटम मेरे को बहुत ज़बरदस्त लग रही है, थोड़ा सा इसका रेट बताएंगे क्या है? हाँ जी, 120 रुपये का। 120 रुपये का ये होलसेल रेट बता रहे हो आप? ओके, और उसी के साथ ये छोटा वाला जो है इसका, ये आगे वाला ब्लू वाला, ये वाला 120 का, ये वाला भी। ओके, तो ये इस तरीके की डेकोरेटिव आइटम्स आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेरे को तो बहुत सही लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ ले लूँ ये अपने लिए। तो अभी हम जगमीत जी के साथ हैं, जो मंजीत इंटरनेशनल से हैं। इनके पास मैंने देखा क्रॉकरी का काफ़ी अच्छा रेंज है, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं भैया के यहाँ पे। तो ये मेरे को एक बहुत ज़बरदस्त एक सेट दिखा यहाँ पे, तो भैया थोड़ा सा बताएंगे क्या है, कितने का है? इसका रेट है 2200। 2200। एंड कितने पीसेस का सेट है? 34 पीसेस का। तो ये 2200 रुपये जो आप रेट बता रहे हैं, होलसेल रेट है या रिटेल? होलसेल रेट है। रिटेल में वैसे अगर लेना हो किसी ने तो थोड़ा सा 4000 रुपये आराम से। अच्छा अच्छा, तो मुझे गिफ्टिंग के पर्पज़ से बहुत ज़बरदस्त आइटम दिखे। ये भैया ने बताया इसका प्राइस 450 का पड़ेगा आपको, अगर आप होलसेल में लेते हैं तो। बहुत अच्छा सेलो का आइटम है, अगर आप गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो। एयर ड्राइड लिड है ये, मतलब काफ़ी माइक्रोवेव सेफ है, और ये ग्लास का लग रहा है, मतलब ग्लास है ये अगर आप देखें तो। बहुत अच्छा आइटम लग रहा है मुझे। एक ये और आइटम भैया ने मेरे को दिखाया सेलो का, जो नया आइटम आया। ओके, गिफ्ट सेट के लिए या इसका क्या प्राइसिंग है भैया? तो इसका प्राइस भैया ने मेरे को बताया 525। ये आइटम भी मेरे को गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला बहुत मतलब यूनिक पीस लग रहा है मेरे को ये। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लाइट का एक मतलब दिखा है यहाँ पे शॉप, एंड भैया के पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइट्स हैं यहाँ पे, बहुत ही यूनिक लाइट्स भी मेरे को दिख रहे हैं। अंकल जी इसका क्या रेट होगा ये वाली का? 150 रुपये। ये आप होलसेल रेट बता रहे हैं या रिटेल है? ये रिटेल रेट है। ओके, अगर कोई होलसेल में लेना चाहे तो 120।
120 बट 100 पीसेस मिनिमम. ओके, ये इसमें मल्टी कलर्स मिलते हैं सब में? मल्टी भी है, स्टिल भी है, सिंगल कलर. ओके ओके ओके, ये बहुत अच्छा. एक मेरे को ये आइटम दिखा यहाँ पे नया, एक ये बहुत अच्छी लाइट दिखी इसमें भैया बताने, इसके 64 फंक्शंस हैं. ओके, एंड इसका क्या प्राइस रहता है? 400. तो ये भैया का कार्ड है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यहाँ, अगर ये ऐसे कुछ लाइट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव आइटम्स मेरे को यहाँ पर दिखा है. मतलब अगर आपको दिवाली के पर्पज़ के लिए अगर कुछ चाहिए, अगर गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं. थोड़ा आइडिया देंगे अंकल जी, ये वाला क्या, इसका क्या रेट है? ये जो है 600 का है. ओके, स्टैंड लोटस स्टैंड फॉर 600. लोटस स्टैंड फॉर 600. ओके, दिस वन इज फॉर 130. फिर और रेंज है मेरे पास 120 130 की रेंज. 130 का रेंज. ओके, फिर ये आएंगे ये इस टाइप का छतरी अम्ब्रेला टाइप. ओके, 400 की रेंज, 300 की रेंज, 500 की रेंज. ओके ओके, और कम में चाहिए हो तो कम में बॉक्सेस वगैरह होते हैं, बास्केट्स होती हैं, इस टाइप की बास्केट्स हैं. ओके, और सॉरी बॉक्स है. हाँ जी, बास्केट्स हैं. ये है रेडी बनी हुई है. हाँ जी हाँ जी, वुडन रेडी. ये रेडी का रेंज है? ये 270 का. 270 का. 270 का. ये जितने आप प्राइसेस बता रहे हैं होलसेल है रिटेल? होलसेल, आई एम टेलिंग यू ऑल होलसेल रेट, नॉट रिटेल वन. ये भैया ने मुझे बास्केट दिखाया है, ये 25-30 की रेंज में आपको मिल जाएगा, बट इसमें ये होलसेल प्राइसेस बताए इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा है. मतलब गिफ्टिंग के पर्पज़ से भी एक लैंटर्न मैंने देखा है भैया के शॉप पे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है. अगर आप सिर्फ लैंटर्न लेना चाहते हैं तो भैया ने बताया इसका प्राइस कुछ 110 के आसपास रहेगा, एंड अगर आपको साथ में ये कैंडल टाइप भी चाहिए तो इसका प्राइस रेंज करेगा अराउंड 200 के आसपास. तो अभी मैं यहाँ पे जा रहा था, एंड मेरे को ये बहुत अच्छी शॉप देखी इनके पास, डेकोरेशन का बहुत अच्छा अच्छा आइटम्स है. मतलब भैया के पास फुल रेंज है डेकोरेटिव आइटम्स का. तो भैया ये एक बहुत अच्छा मेरे को यूनिक चीज़ लग रहा है ये. हाँ जी, इसका क्या प्राइस है? 250. ये होलसेल प्राइस बता रहे हैं रिटेल? होलसेल प्राइस है. ओके, एलईडी में लाइटिंग में है, बहुत बहुत अच्छा चीज़ लग रहा है. अच्छा, ये सिंपल में 120 का. ओके, इसके बाद अपना बड़ी बोतल आएगी फिर ऐसी. अच्छा अच्छा, ये आपको एक लोगे तो पड़ेगी आपको ये 350, 12 लोगे 300 रुपये पड़ेगी. एक लेंगे 350, 12 लेंगे 300 रुपये की. हाँ जी, और ये लाइट वाली है? लाइटिंग वाली. ओके, तो ये बॉटल भी बहुत अच्छी लगी. मतलब अगर आपको मिलेगी 6 कलर. अच्छा, 6 कलर. हाँ जी. ओके ओके, ये बहुत बहुत अच्छा आइटम मेरे को लग रहा है कि इनके इनके साथ साथ इनके पास ये काफ़ी छोटे छोटे आइटम्स भी हैं. एलईडी है, ये ऐसी एलईडी है, इसके अंदर ये देखिए. ओके, ये न्यू आई है. ये किस रेंज में भैया? ये आपको दर्जन चाहिए तो 120 की पड़ेगी. 120 रुपीज़ दर्जन का? ओके, 120 रुपये का पर पीस पड़ेगा ये आपको दर्जन के हिसाब से. मतलब 120 रुपये पर पीस, और सिंगल लोगों 150. 150 का सिंगल. ये डब्बा पड़ेगा आपको 300 रुपये का डब्बा, 12 पीस. ये 300 रुपये का 12 पीस का डब्बा. ओके, ये भी मतलब कलरफुल काफ़ी आइटम है. इसमें क्या कहते हैं, कलर्स वगैरह कुछ सिलेक्शन करने का होते हैं? ये 12 पीस का बॉक्स है. अच्छा अच्छा, अगर ये आप डब्बा लोगे तो 300 रुपये का डब्बा पड़ेगा. ओके, 300 रुपये का डब्बा. हाँ जी, होलसेल में लोगे तो, होलसेल में पैसे लोगे तो 350 रुपये पड़ेगा. अच्छा, होलसेल में कितने पीसेज लेने पड़ेंगे डब्बे के? जितने भाई, जैसे होलसेल में समझ लो अपने 6 या 3, 9, 12 जैसे. अच्छा, मिनिमम 3 पीस लेना पड़ेगा होलसेल में. ये हमारे फोन से टच होती है. अच्छा, ये हमारा फोन है ना. हाँ, ये पाने वाली है, देखिए मेरे हाथ लग रहा. ये देख. अच्छा अच्छा अच्छा, ये डब्बा पड़ेगा आपको 360 रुपये का. 360 रुपये का 12 पीस. अब जैसे पानी में आई है, ये पानी वाली एलईडी जो है, इसको 360 रुपये का डब्बा. ऊपर से दूसरी ये बंद हो गई. हाँ, एक आइस वाली है, एक टप आइस वाली. ये देखिए, ये आइस वाली का क्या रेट है? 300. ये भी 300 रुपए का डब्बा. ओके, 60 रुपए का पैकेट है, 12 पीस का. 360 का पैकेट पर पीस पड़ेगा ये. अच्छा अच्छा अच्छा, 30 रुपए पर पीस, और 360 का 12 पीस का पैकेट.
तो हम यहाँ पे घूम रहे थे एंड हमें ये बहुत अच्छा एक शॉप दिखा जहाँ पे ट्रेज वगैरह एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए, मतलब अगर आप इसमें कुछ सामान डालकर देना चाहते हैं तो। भैया थोड़ा सा आइडिया देंगे ये वाली कितने की है? हाँ जी, ये 350 रुपये का। 350 रुपये की दो पीस ये होलसेल, मतलब दो पीस ले सकते हैं मिनिमम, तो ऐसा कुछ नहीं है? ओके, एक दो। अच्छा, और वो वाली कितने की है? बड़े वाला 450 रुपये का सेट है, 3 पीस का। 450 के 3 पीस, ओके। 300 की और ये 250 की। ये वाला 250 रुपये का। ये चमक रही है जो? ये भी 250, ये भी 250। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? ये साड़ी सूट की पैकिंग है। साड़ी सूट की पैकिंग के लिए ये कितने का? ये 200 रुपये के 10 है, 150 के 10 है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये छोटी वाली टोकरी का क्या रेट है वाली? 40 रुपये। 40 की। इसमें मैं आपको चॉकलेट दूंगा। मेरे को देगा? नहीं सर, खुद को दूंगा। अपने अपने आपको इज्जत दे रहा है ना, आपको बोल रहा है। मैं अपने आपको आप बोलता हूँ, बताया मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, सबको इज्जत देता हूँ, मैं खुद को भी इज्जत देता हूँ, अपने आपको आप बोलता हूँ। मैं देख लो कितना नाम। ये इसमें सारे सब्सक्राइबर्स को शगन डाल कर देगा। 100 रुपये 100 रुपये दूंगा। सब्सक्राइब करो, आपके पीछे देखो कौन है, शूट कर लो इसको। तो भाई घूमते घूमते बहुत मज़ा आ रहा है, इसको भूख लग रही है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने अटैक कर दिया है। ये हमारा चढ़िया क्या कहते हैं हथियार है, मैं मार दूंगा अब आए कोई। ये कॉल मेरे को बहुत अमेजिंग शॉप दिखा है यहाँ पर, इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडल्स हैं एंड बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव आइटम्स भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो भैया से पूछते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या है। तो भैया थोड़ा सा बताएंगे, हमारे पास ये जैसे आइडल्स हैं, क्या प्राइस रेंज है अपने पास? सारे प्राइस के होते हैं 50 से 5000। 50 से 5000 तक, ओके। एनी मुझे ये मोर काफ़ी अच्छा दिखा, ये मोर का क्या प्राइस रहेगा? 110 का पेयर है। 110 का पेयर, ओके। एंड मिनिमम कितना क्वान्टिटी लेना होता है, मतलब होलसेल में? 12 पीसेस किसी भी आइटम का। तो ये सिल्वर कोटेड आइटम्स मुझे यहाँ पर दिखे हैं, भैया ने हमें इनवाइट किया शॉप के अंदर कि भैया थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एंड दिखाओ व्यूअर्स को कि क्या क्या आइटम्स है हमारे पास। तो ये जैसे इसका क्या, इस सेट का क्या आप कॉस्ट रहेगा? 1250। ओके, मतलब गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छे है। तो अपने पास ये जो सिल्वर कोटेड आइटम्स है इसमें क्या रेंज है, मिनिमम क्या है? 100 से स्टार्ट है। ओके, एंड मिनिमम 12 पीस लेने पड़ेंगे इसके लिए? ओके, और ये काफ़ी मल्टी कलर में जैसे है, मतलब 2 कलर्स में, इसका क्या कॉस्ट रहेगा? ये 500 का रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ये आइटम्स जैसे हैं ये काली पड़ जाए थोड़े टाइम बाद, ऐसा कुछ प्रॉब्लम? ऐसे आपको आइडल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो, मतलब काफ़ी अच्छा कलेक्शन है भैया के पास यहाँ पर। ये भी कलेक्शन है भैया, ये फ्री है। मैं जा रहा था एंड ये बहुत सही सी डेकोरेशन का भैया के पास मेरे को आइटम दिखा, तो दिखाते हैं एंड थोड़ा सा भैया से आइडिया लेते हैं कि प्राइसिंग क्या क्या है। तो भैया गणेश जी का जैसे, इसका क्या प्राइस रहेगा? 60 का पेयर है। अच्छा, 60 का पेयर है, ओके। इसके अंदर ये सारे डिजाइन है, ओम स्वास्तिक गणेश कलश पैरेट एलिफेंट। अच्छा, ये सारा मतलब 60 रुपीज पर पेयर? पेयर पे। और इसमें ये रिटेल के प्राइसेस हैं होलसेल के? होलसेल। कितना मिनिमम क्वान्टिटी लेना है? कम से कम 12 पैकेट। कम से कम 12 पैकेट। कोई अगर रिटेल में 4 या 5 पैकेट लेना चाहता है तो फिर 90 का। 90 का, ओके। एंड ये जैसे ये लालटेन है, ये क्या रेंज में? 50। 50 का, और ये भी मतलब मिनिमम 12 पीस, ओके। इसमें ये क्या जलाने के लिए कुछ है क्या? ये जलता है। अच्छा, मतलब इसमें वो है, मोम है इसके अंदर,
ओके, तो बहुत अच्छे कैंडल स्टाइल में है ये। इसके अलावा ये बॉटल्स जैसे हैं, ये बॉटल्स किस रेंज में? ये 100 की रेंज में है। 100? 100। ओके, ये लाइट जलते हैं इसमें या नॉर्मल? नहीं, इसके अंदर ये टी लाइट होल्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैंडल जला के वापस बंद करो। अच्छा अच्छा, कैंडल लगा सकते हैं इसके अंदर। ओके, एंड उसके अलावा ये झालर है जैसे, ये किस रेंज में है? 10 पीस का एक पैकिंग है। 10 पीस का एक पैकेट है। अच्छा, ये किस रेंज में? 100, 150, 200, 300। अच्छा, डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा प्राइस, मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। ओके, ये भैया ने हमें एक कैंडल दिखाया है जो कि 10 रुपये का है, फ्लेवर वाला कैंडल। एंड इसका हम लोगों को लेना हो तो 24 पीसेस लेना पड़ेगा, 240 रुपये का डब्बा है। बट ये बहुत सही लग रहा है मुझे, मतलब अगर जलेगा इसमें साथ में फ्रेग्रेंस भी आएगी तो बहुत सही चीज़ है ये। ये पानी वाला दिया भैया ने हमें दिखाया है, इसका 300 रुपये बॉक्स का प्राइस है जिसमें 12 पीसेज होंगे। एंड इसके भी मिनिमम 12 डब्बे लेने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत सही आइटम लग रहा है। ये आइस क्यूब दिखाया भैया ने जो कि पानी में डालने से चलता है, एंड बहुत ही इनोवेटिव एंड बहुत सही चीज़ लग रही है यार ये तो मेरे को, मतलब ये तो मैं पक्का लेने वाला हूँ अपने घर के लिए। तो ये भैया ने बताया इस क्यूब का 240 का बॉक्स है जिसमें 12 पीसेज आएंगे हमारे पास। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो यार ये बहुत सही आइटम है, मतलब ग्लास में आप पानी डाल के इसको लगा सकते हो, बहुत सही चीज़ है। इसमें कोई बैटरी वगैरह का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भैया के पास है भाई साहब बहुत ज़बरदस्त वाली बड़ी वाली कैंडल, बहुत सही। कितने की भैया कैंडल? 300 की। ओके, इसके भी मिनिमम हमें 12 पीस ही लेने पड़ेंगे। इसका तो जितना मर्जी 6-3 जितना मर्जी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सही है ये भाई ये कैंडल। और ये मतलब बहुत कितना टाइम चल जाती है, कुछ आइडिया? ये कम से कम 24 घंटे 24 घंटे चलती है कम से कम। और कलर्स वगैरह मिल जाते हैं? कलर अलग 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 कलर, पिंक, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, अच्छा अच्छा, ब्लू, सब। तो मेरे को यहाँ पे पैकिंग का काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम्स दिख रहा है भैया के पास, जो है काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। तो भैया जी, जैसे पीछे हमारे पास बैग्स हैं, ये किस रेंज में होंगे ये जो ऊपर बैग्स हैं हमारे? ये सर, हाँ जी, ये 120 डजन, 150 डजन, 200 डजन, 250 डजन। ओके, मतलब 80 रुपीज़, 70 रुपीज़ डजन से लेके मतलब 1000 रुपये डजन तक का पेपर बैग मिल जाएगा आपके पास। अच्छा, और ये जैसे मिनिमम कितना डजन लेना होगा, कितना क्वांटिटी? मिनिमम आप एक पैकेट ले सकते हो। अच्छा, एक पैकेट ले सकते हो, एक पैकेट ले सकते हो, 12 पीस का पैकेट होता है डजन का। ओके, एंड ये जैसे ये रैपिंग पेपर्स हैं, इस ये रैपिंग पेपर्स का क्या कलेक्शन कितने तक का है हमारे पास? रैपिंग पेपर 100 शीट्स के पेपर में भी आता है और उसका BOPP पॉलिशर में भी आता है। अच्छा, ये BOPP पॉलिशर, ये BOPP पॉलिशर है। ओके, तो इसको आप वो कहते हो पन्नी वाला? हाँ जी हाँ जी, ये पेपर वाला हो गया। हाँ जी हाँ जी, इसमें 100 शीट का बंडल भी आता है और 25 शीट्स के रैपर भी आते हैं। ये 25 शीट्स का? 25 शीट्स के। ओके, तो क्या प्राइसिंग क्या है इनका? बहुत वैरायटी आती है, कुछ मतलब अगर आइडिया दे पाए आप रेंज का क्या है प्राइस? जैसे अब ये बंडल है, ये 450 का बंडल है 100 शीट्स का। अच्छा, 4.5 रुपये की शीट पड़ी है। हाँ जी हाँ जी, अब वो है वो 100 रुपीज का पैकेट है 50 शीट्स का, 100 रुपीज का 50 शीट्स का, 2 रुपीज शीट पड़ी। बट वो थोड़ा सा क्वालिटी मतलब क्वालिटी वाला है। हाँ जी, पेपर इज मच बेटर इन रैपिंग। ओके, आप मैं देख सकता हूँ कि भैया के पास नेट्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे पेपर बैग्स भी हैं, एंड इनके पास रैपिंग पेपर का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और टेप्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो अगर आप रैपिंग पर्पस के लिए या गिफ्टिंग पर्पस के लिए कुछ अगर देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो भैया ये जैसे ये नेट्स वगैरह ये किस रेंज में रहते हैं हमारे पास? नेट है भैया ये 100 रुपये का रोल है, 5 मीटर का, 100 रुपये का 5 मीटर, 100 रुपीज़ है, 150 है, 250 है, 400 है। हाँ जी हाँ जी, मतलब बहुत वैरायटी है नेट के अंदर। अच्छा अच्छा, बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको, ये सारी नेट्स ही नेट्स है। अच्छा अच्छा, डिफरेंट अलग अलग तरीके की नेट्स हैं। हाँ जी हाँ जी, ये नेट्स हैं, ये सब ये नॉर्मल नेट्स हैं। अच्छा अच्छा, ये पेपर पेपर की रस्सी है, पेपर वायर। ओके, ये वो सब रोज वगैरह, ये फैंसी फ्लावर्स वगैरह हैं। हाँ जी हाँ जी, ये जूट के फ्लावर्स हैं, ये सब एक्सक्लूसिव पैकिंग मटेरियल का सारा है। अच्छा अच्छा, मतलब कलेक्शन हमारे पास सारी है, आप एवरीथिंग, आपको टोटल एकदम
एक्सक्लूसिव चीज मिलेगी, ये सब बॉक्सेस वगैरह आते हैं। ओके, पीवीसी के बॉक्सेस है, ड्राई फ्रूट चॉकलेट वगैरह डाले, ये जो सारे आप देख सकते हैं बॉक्सेस काफी काफी अच्छे लग रहे हैं। मतलब तो ये जूट बैग्स का काफी अच्छा कलेक्शन है, भैया बता रहे थे काफी इन है आजकल। ये जूट की पोटली है जी, ये वाइट जूट है, तो बहुत इन है, लेटेस्ट चीज आई है। ओके, सब ये कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में भी जाता है ये सब, ड्राई फ्रूट्स और दिवाली पे तो बहुत चलती हैं चीजें। हाँ जी हाँ जी, ये सब जूट की पोटली है। ये जूट की पोटली किस किस रेंज में भी हमारे पास? ये 25, 45, 50 रुपए का। और क्या कितना मिनिमम लेना पड़ेगा? मिनिमम पैकेट ले लो आप, 25 पीस का पैकेट है, 25 पीसेस का। ओके, इसमें ये ऐसे बैग्स आते हैं हमारे पास। ओके, ये सारा कॉर्पोरेट बैग्स हैं सब। ये किस रेंज में बैग्स? 50 रुपीज, 70 रुपीज, 40 रुपीज, ये सब बैग्स हैं। तो गाइज अभी मैंने पता है क्या करा है, बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी है। जो आकर्षण सपरा जी हैं उनको सदर बाज़ार के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं उनको छोड़ा आया हूँ उस गली में, ये इस वाली गली में हम यहाँ से आए थे और मैं उनको छोड़ा आया हूँ और वो खो गए हैं अभी। ओ मैं गिरता गिरता बचा हूँ, क्यों गंदे काम करे मेरे साथ भी गंदा ही होगा ना। वो देखो वो आ गए, मैं अभी दिखाता हूँ, वो इधर उधर देख रहे हैं, अभी दिखाता हूँ, वो खो गए हैं। इनको नहीं कुछ पता, इनको कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल घो चुके लॉस्ट है एकदम। तो चलो भाई गाय, वो भागते हुए आ रहे हैं, मेरे को पकड़ रहे हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय। तो ये लौंडा भी मुझे छोड़ के आ गया था मार्केट के बीच में, एंड अब चलो यार ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग में एंड कर चुका हूँ, बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, ये पिटेगा मेरे से। यार बाल बहुत चलो यार, अच्छा सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करूँगा। तो भैया अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, हमने उनका फ़ोन रखवा दिया भैया से, अब हम प्राइसेस वाइसेस पूछेंगे। कर लो अब टूट सकते, क्या कहता? बिल्कुल बढ़िया है, ले लेनी चाहिए ये हमें, बट लेकिन हम ले नहीं रहे।